शख्स को हमेशा लगती है मोटी चपत, जेब में नहीं टिकता एक भी रुपया। आज ही छोड़े ये आदतें। आजकल पैसे बचाने के लिए कई एप्स मौजूद हैं जो लोगों को मनी सेविंग के लिए गाइड करते हैं। हालांकि इसके बावजूद लोगों को कई लोगों से पैसे बचते ही नहीं। आजकल लोग कई तरह के ब्लॉग पढ़ते हैं फिर भी उनसे पैसे नहीं बचाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के बारे में चाणक्य ने कई सौ साल पहले वर्णन किया था। अगर आप भी अंदर ऐसे अवगुण हैं तो तुरंत सोचिएगा। जी हाँ, चाणक्य के मुताबिक ऐसा इंसान दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता वो हमेशा ठगा ही जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी धूर्त की चिकनी चुपड़ी बातों और लालच में फंस जाता है। ये लालच ही ऐसे व्यक्ति के लिए आगे चलकर भारी पड़ जाता है और ऐसे आदमी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। आपको बता दें, चाणक्य के मुताबिक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखकर किसी भी बहकावे में ना आए। जो व्यक्ति किसी भी तरह के बहकावे में आ जाए वो हमेशा परेशान रहता है। ऐसे व्यक्ति जो आसान से ठगी का शिकार होता है उसी की जेब में खाली रहती है। ऐसे लोग अगर पैसे कम भी ले तो उसे ना किसी तरह से गवाही देते हैं। ऐसे में चाणक्य की बातों से ही ये समझ आ जाता है कि ऊपर बताए गए अवगुणों की तथ्य और इंसान पैसे गवाने से कैसे बच सकता है, साथ ही आपको और भी कई दिक्कतों से बचने में मदद मिल सकती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।